Welcome friends, how are you all? I hope you all are doing well. So, today is uh, December 24 and it's currently 1 25 pm. So, and this is my to do list for today. First of all, I'm going to do maths for two hours. And here are the books. So, without any further ado, Let's get started. बेसिकली फ्रेंड्स हमने स्कूल में एक बार ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था उसके बाद हमारे सेंडअप्स हो गए थे जिनमें सेवेंटी परसेंट तक सिलेबस आया था फुल नहीं आया था तो उस सेवेंटी परसेंट की प्रिपरेशन तो मैंने की थी अब रिसेंटली सेंडअप्स ख़त्म हुए हैं तो मैंने सोचा दोबारा से सारा सिलेबस स्टार्ट कर लूँ ना तो मैंने हर सब्जेक्ट को चैप्टर वन से दोबारा से स्टार्ट कर लिया है जो सिलेबस आया था सेंडअप में उसकी तैयारी तो काफ़ी हद तक हुई हुई थी तो उसको एक बार रिवाइज़ करना था वहाँ तक और उसके आगे चैप्टर जो नहीं थे सेंडअप में इंक्लूडेड उनको प्रिपेयर uh, करना था अच्छे तरीके से और आपके सेंडअप्स हो गए अगर हो गए हैं तो उनका डिफिकल्टी लेवल कितना था लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आपकी तैयारी कैसी जा रही है ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में सो गाइस आई एम डन विद दिस फॉर नाउ एंड इट्स करेंटली 2:46 पीएम सो नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विद माई फिज़िक्स वर्क For one hour, so let's place a timer of one hour. So, yeah, let's get started. First of all, guys, really sorry for not uploading since a long time. बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी लाइक स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन था क्योंकि स्कूल में डेली बेसिस पे असमेंट्स हो रही थी उनकी तैयारी करनी थी एक फिर क्लास टेस्ट और उसके बाद सेंडअप्स आ गए तो पता ही नहीं चला इतना जल्दी टाइम गुजर गया और इतना बिजी गुजरा तो इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो सकी कोई भी व्लाग नहीं बन सका लेकिन नाओ आई विल ट्राई कि थोड़ा सा रेगुलर हूँ यूट्यूब पर भी और आपको भी अपनी स्टडी रूटीन की अपडेट्स देती रहूँ यहाँ पर मैं फ़र्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रही थी इस चैप्टर की थोड़ा रीडिंग तो मैंने कल करी कर ली थी ठीक है तो अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स कर रही थी सात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने पढ़े और ये रेफरेंस बुक से मैं इसको जो है रेफरेंस uh, बुक को भी इस गो थ्रू कर रही थी आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो गाइस आई एम डन विद फिजिक्स थ्री फोर्टी सिक्स एंड नाउ आई विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक क्योंकि मुझे नमाज भी पढ़नी है फिर लंच भी करना है

तो केमिस्ट्री yeah. so, के लिए मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था मैंने सोचा था चैप्टर वन कर लूँगी लेकिन uh, इतने टाइम में चैप्टर वन भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर चैप्टर टू जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसको भी मैंने हाफ कर लिया क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेंडअप में सारा कुछ इंक्लूडेड था तो मतलब आता भी था तो इसको जैसे मुझे रिवाइज करना था इसलिए दो वन एंड हाफ़ चैप्टर हो गया था हमारा सेंडअप के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी हुआ जिससे लाइक थोड़ा पता चल गया कि प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म करना है क्या लिखना है थोड़ी प्रैक्टिस हो गई और वो भी बहुत अच्छा गया था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इट्स करेंटली फाइव फिफ्टी वन पी एम टेक अ ब्रेक ऑफ ट्वेंटी मिनट्स So yeah, we'll start studying again after twenty minutes. So guys, I'm back now. I will place a timer of forty-five minutes. So yeah, let's start. ट्वेंटी सिक्स से हमारी विंटर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट तक तो मेरी कोशिश होगी इनमें जितना सिलेबस कवर हो सके हो जाए क्योंकि फिर स्कूल जाना होता है तो आधा दिन स्कूल में ही निकल जाता है और फिर वापस आके लाइक थोड़ा बंदा थका हुआ भी होता है पढ़ने का भी दिल नहीं करता है, तो मेरी कोशिश होगी जितना सिलेबस कवर हो सकता है इन्हीं छुट्टियों में हो जाए मैं फिर कहूँगी कि ये वाला टाइम जो है हमारा फिर नाइन्थ वाला टाइम आ गया है दिस इज़ द फाइनल ईयर दैट वी डिसाइड योर फ्यूचर तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी है ताकि जो आगे हम ड्रीम्स देखते हैं उनको पूरा कर सकें

तो मैथ्स का मेरा ये सेकंड स्लॉट था मैं मैथ्स को अगर फॉर एग्जांपल टू आवर्स दूँ या फिर थ्री आवर्स दूँ तो मैं उसको दो स्लॉट्स में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि ठे इतना पढ़ना मैथ थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है तो इस मतलब ये ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी बंदा काफ़ी जो है फ़ोकस में रहता है इस तरह उसके बाद मैंने वन और मजीद टाइमर लगाया और मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया इंग्लिश का मैंने फ़र्स्ट चैप्टर जो है आ, वो स्टार्ट किया था उसकी मैंने थोड़ेली रीडिंग की थी इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ कि मतलब चैप्टर जो है उनकी थोड़ा रीडिंग कर लेती हूँ और जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उनके सिनोनिम्स देख लेती हूँ क्योंकि हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है उसमें सिनोनिम्स पूछते हैं वो थ्री नंबर्स के होते हैं थ्री मार्क्स के होते हैं तो उसको मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ और कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेती हूँ और ग्रामर पर फोकस होता है इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता हो जाता है बस ये ग्रामर पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना होता है गाइस एट फिफ्टी नाइन एंड आई एम डन विथ ऑल द टास्क फॉर टुडे लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ मैथ्स डन फिजिक्स डन केमिस्ट्री डन पाकिस्तान स्टडीज एंड इंग्लिश सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फोरगेट To drop down your thoughts in the comment section. So, I will see you in the next video. Till then, steady hard, stay safe. Allah Hafiz.